नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र स्थित मातबरगंज के प्राथमिक विद्यालय का नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने बुधवार को दिन में निरीक्षण कर यहां पर चल रहे समस्त मरम्मत व सौंदर्यकरण का जायजा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कायाकल्प योजना के तहत नगर क्षेत्र में 15 परिषदीय विद्यालय में फर्श पर नए नॉन स्किडी टाइल्स लगाकर कक्ष की बेहतर व्यवस्था के साथ ही सुविधायुक्त टॉयलेट बनवाकर बच्चों को साफ सुथरा माहौल दिया जा रहा है। 15वें वित्तीय बजट के अंतर्गत यह कार्य कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर उनके और डीएम के बीच बातचीत हुई। कार्य की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने दावा किया कि जब यह सभी विद्यालय बनकर अपने रूप में आ जाएंगे तो खुद ही लोग समझेंगे कि उनके बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा बची नहीं रहेगी जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहीं से बच्चों की भविष्य की नींव बनती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सभी परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदलेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सुनते हैं नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मामले में क्या जानकारी दी। सर, ये मातरगंज विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, इसका सुंदरीकरण हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? सुंदरीकरण किया ही इसलिए जा रहा है कि देश का जब भी निर्माण के लिए सोचा जाता है ना, तो कोई भी चीज़ ना बच्चों से ही शुरू होती है। तो इसीलिए 15वां वित्त के फंड से जिलाधिकारी महोदय जी के और हमारे आपसी बातचीत में यह तय हुआ कि कायाकल्प के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, पहले जो हमारे पूरे नगर में जितने भी 15 विद्यालय हैं उनको स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाया जाए, ताकि शहर के आम और ख़ास में कोई फ़र्क ना रहे, सभी सामान्य स्थिति में ये फैसला लें कि अपने अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में पढ़ाएं लिखाएं। ये नगर पालिका आजमगढ़ की तरफ से एक शुरुआत है, जो स्कूल से समझें कि ये शुरू की गई है। जैसा कि आपने देखा, काम की गुणवत्ता, क्वालिटी, हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है। बाकी विद्यालयों में देखा जाता है कि काफ़ी गंदगी, टॉयलेट गंदगी, बच्चों को बैठने का स्थान नहीं मिलता। यहाँ पे चेयर भी है बच्चों को बढ़िया बैठने के लिए, तो क्या करें? नहीं, चेयर वगैरह तो थी पहले से, लेकिन सुनियोजित तरीके से इसको, अब पहले से गंद फैली हुई थी, फ्लोर की कोई वो नहीं थी, अब आप देख रहे हैं कि टाइल्स इसमें लगाई जा रही है, कोई भी नॉन स्किडी टाइल्स हैं सारी, ताकि बच्चे फिसले ना, और साफ सुथरा भी बना रहे तो देखने में भी सुंदर लगे। तो जब सब कुछ अच्छा लगेगा, विद्यालय साफ सुथरा रहेगा, तो बच्चे अच्छे स्वच्छ वातावरण में पढ़ेंगे लिखेंगे, तो अच्छी बात है। अभिभावक लिए नगर पालिका इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। अभिभावक क्या कहना चाहेंगे अपने? अभिभावक आजमगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी विभाग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नगर के जितने भी ये प्राथमिक स्कूल हैं, वो इस कंडीशन में कर दिए गए हैं कि बहुत अगर देखेंगे तो वो खुद फैसला लेंगे कि नहीं, बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा सकता है। इतना यहाँ पे सुंदरी कार्य कराया जा रहा है, इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हर वर्ग के लोग आके अपने बच्चों को दाखिला दिला सकें और पढ़ सकें।